हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआरटी सिंदरी, दिस इज परिमाण क्लासिक चैनल। आज मैं आप लोग को झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का सेकंड काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है। कल 12 और एडमिशन होना था 10 दिसंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020। जो अलॉटमेंट लिस्ट कल आया है, मैं यहाँ आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें वो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा, प्रोविजनल लिस्ट मैं दिखाने वाला हूँ। प्रोविजनल लिस्ट में आप देख सकते हैं कि क्या किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला, या डायरेक्ट आप वहां पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने समय में आपको पहले बता दिया जाएगा कि आप सीट आपको मिला है या ना मिला है। ठीक है, वहां पे भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो और मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पिछले बार बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। ठीक है, तो मार्कशीट आपका हो सके कि ओरिजिनल अभी तक नहीं आया, तो आप प्रिंसिपल का साइन, जो मार्कशीट आप प्रिंट करके निकालोगे उसमें प्रिंसिपल का अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा दें। ठीक है, मार्कशीट में, क्लास 10 के मार्कशीट में अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के ही जाए, ना वहां पे एडमिशन में आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। 10 के आपको 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ठीक है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10 का। ठीक है, माइग्रेशन TC या SLC या CLC, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो झारखंड का होना चाहिए, आवासीय जिसको बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट से आपको सीट मिला है तो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको TFW सीट मिला है तो इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपको EWS सर्टिफिकेट मिला है तो EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये समझ में आया होगा। फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये आपको कोर्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, कोर्ट आपको एडवोकेट के पास जाइएगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एक आपका कैंडिडेट्स के नाम से, एक पेरेंट्स के नाम से बनेगा। ठीक है, गैपिंग सर्टिफिकेट, अगर आप गैप लिए हैं तो गैपिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, इतना। फिर आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है, और आपको फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर से साइन करवा के आप लेके जा सकते हैं। वो अपना बता कि ये हाइट होना चाहिए, नॉर्मल आई होना चाहिए। ठीक है, 6x6 का ये आपको लिख के वो दे देंगे, आप वो लेके जा सकते हो। आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी ले लीजिएगा। बस ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स था जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करें, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अगर मार्कशीट आपका ओरिजिनल अभी तक नहीं आया तो आप प्रिंसिपल से मार्कशीट में जरूर साइन करवा लें। ठीक है, ठीक, और CO लेवल तक आपका ये डॉक्यूमेंट चल जाएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल, कास्ट, EWS, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, सब आपका कहां तक का CO लेवल तक मिनिमम होना चाहिए। SDO का है तो भी चलेगा, लेकिन CO लेवल का होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको अब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करें वो बताने हैं, सबसे बाद में प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आपको दिखा दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करें। झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का सीट प्रोविजनल लिस्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है। मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आप सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपको टैप करना है jccb.jharkhand.gov.in। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सर्च करने के बाद आपको, और मैं परिमाण क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट झारखंड के सेकेंड काउंसिलिंग का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है, होम पेज खुलेगा इसे। उसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2020 पे, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कुछ खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन पॉलिटेक्निक लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट एक ही दिया हुआ, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं एप्लीकेशन नंबर टाइप कर रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर टाइप करने के बाद पासवर्ड देना है, पासवर्ड, उसके बाद क्या करना है आपको, लॉगिन करना है। तो पासवर्ड जैसे हम दिए तो देखिए यहाँ पे इसको क्या मिला है, कंग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट ए सीट, प्लीज चेक लोटेड CMA रैंक कितना था। SC कैटेगरी से इसको मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, एलोटेड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एलोटेड थ्रू कैटेगरी SC कैटेगरी से उनको मिला है। आप आपको पेमेंट करना है कि अगर आप पेमेंट कट गया है, डिडक्टेड और अनेबल, प्रोविजनल लेटर जो सीट अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो 30 मिनट के बाद आप अप्लाई करें, तो पे एडमिशन फी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करना आपको 1000 रुपया पे करना होगा, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर, तो आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI QR जो है ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा है उससे कर सकते हैं। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाए। ये सेकेंड काउंसलिंग झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का था। झारखंड पॉलिटेक्निक 2020
प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। आप देख सकते हैं कि मुझे किस कॉलेज में क्या ब्रांच इस लिस्ट में मिला है। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, परिमाण क्लास के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करें वो भी मैं बता दिया। ठीक है, आप देखिए अच्छे से और देखिए कि मुझे किस कॉलेज में, और एडमिशन डेट आपका 10 दिसंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 है, लेकिन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट कल आया है 12 दिसंबर को, तो हो सके एडमिशन डेट आपका बढ़ सकता है। उसका नोटिस अभी नहीं आया है लेकिन बढ़ने का संभावना है, लेकिन आप 15 तारीख तक एडमिशन ले लें। ठीक है, आप 15 तारीख तक क्या करें, एडमिशन ले लें। ये आपका सीट अलॉटमेंट दिखा दिए। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे के साइड से या परिमाण क्लासेस के चैनल से। एडमिशन डेट सेकेंड काउंसलिंग का आपका 13 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2015 दिसंबर 2020 था लेकिन कल आया है, तो आज कॉलेज बंद हो सकता है, तो 14 और 15 तो डेट हो सके कि बढ़ने का संभावना है एकदम। ठीक है, आप देख लीजिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए, कल से आप अपना वहाँ पे आज डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके कल से आप अपना कॉलेज जाके ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और किसी तरह का किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं उसका पीडीएफ बना के डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर एडमिशन इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एंड वेलकम बाय परिमाण क्लासेज।